आप सभी लोगों को राम राम। और आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रे की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज लेकर आया हूं। बीच में काफी लंबा गैप हो गया, आप लोगों को ना कोई वीडियो दे पाया और ना ही न्यूज अपडेट और ना ही किसी तीसरे तरह का वीडियो। लेकिन इस संडे को वीडियो बन गया है और आप लोगों के लिए अवेलेबल है। निसान ने मैग्नाइट के कुछ नए एडिशन लॉन्च करे हैं उसकी सेल्स को बूस्टअप करने के लिए। एक क्यूरो एडिशन करके लॉन्च किया गया है। क्यूरो मतलब कि जैपनीज में क्यूरो का मतलब होता है ब्लैक, तो ये मैग्नाइट का ब्लैक एडिशन है। एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको ब्लैक कलर थीम मिलेगी। बेसिक जो है लॉजिक इसका वो ये है, करीब 8.27 लाख रुपए से शुरू होकर ये 10.46 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। ये क्यूरो एडिशन जो है एक्सवी ट्रिम के ऊपर जो है वो बेस्ड है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, टर्बो चार इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ऑटोमेटिक तीनों ही चीजें मिल जाती हैं। आप जैसे खरीद जाओ वैसे आपको मिल जाएगा। साथ ही में मैग्नाइट का एएमटी वेरिएंट भी लॉन्च किया गया। अभी तक मैग्नाइट सीवीटी में अवेलेबल थी, इसमें अब आपको एएमटी मिलने लगा है काफी सस्ते प्राइसेस में। 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 8,90,000 रुपए में आपको मैग्नाइट एएमटी मिल जाती है। AMT हर किसी वेरिएंट में अवेलेबल है एज अ ऑप्शन, और मैनुअल ट्रांसमिशन से 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर मात्र आपको AMT मिल जा रही है। अगर आप क्यूरो एडिशन लेना चाहते हो AMT में तो वो भी अवेलेबल है। माइलेज की बात करूं तो इस AMT में 19.7 KMPL का माइलेज क्लेम किया जा रहा है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में। बाकी अगर आप इच्छुक हो इस गाड़ी को खरीदने का तो कोशिश करिए कि 10 नवंबर के पहले खरीद लें, क्योंकि 10 नवंबर से इस गाड़ी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। मिनी कंट्रीमैन शेडो एडिशन एसयूवी जो है 49 लाख रुपीज में लॉन्च कर दी गई है। इसकी सिर्फ 24 यूनिट्स बनाई जाएंगी। इसका भी एक्सटीरियर में ब्लैक कलर की थीम दी गई है। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है जो लगभग 178 bhp की पावर और 280 rm का टॉर्क जनरेट करता है। टॉप स्पीड है 225 किलोमीटर पर आवर की और 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 7.5 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। टोयोटा क्राउन स्पोर्ट एसयूवी को रिवील कर दिया गया है। क्राउन जो है ना वो एक पर्टिकुलर गाड़ी का नाम नहीं है, वो पूरा का पूरा एक लाइनअप है। जैसे टोयोटा का सेंचुरी लाइनअप है वैसी क्राउन लाइनअप है, और ये ग्लोबली लॉन्च होने वाला है पूरा का पूरा लाइनअप। इस लाइनअप की दूसरी गाड़ी है ये क्राउन एसयूवी। इसको रिवील किया गया है, जापान में सबसे पहले इसे लॉन्च किया जाएगा। इंडिया आएगी नहीं आएगी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वैसे तो मुश्किल है इंडिया आए क्योंकि टोयोटा के अलग ही हिसाब किताब चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई BMW X2 और IX2 इन दोनों गाड़ियों को रिवील कर दिया गया है। IX2 जो है वो इलेक्ट्रिक है, 450 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है, और X2 आइस इंजन है, 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है जो लगभग 312 bhp की पावर जनरेट करता है। विनफेस्ट एक वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडिया आने की कोशिश कर रही है। फोर्ड वाले इंडिया छोड़कर जा चुके हैं, तो फोर्ड का चेन्नई में जो पुराना वाला प्लांट है वो ये लोग खरीदने का प्लान बना रहे हैं। और विनफास्ट ने अपनी गाड़ियों की टेस्टिंग इंडियन रोड्स पर चालू भी कर दी है। VF8 इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी है जिसकी टेस्टिंग चालू कर दी गई है। अगले साल से इनकी गाड़ियां लॉन्च होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन्हें इंपोर्ट किया जाएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो यहीं पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चालू कर दिया जाएगा। हैरियर और सफारी का फेसलिफ्ट 17 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। उसके रिव्यूज़ वगैरह जो हैं वो प्री लॉन्च वाले रिव्यूज़ वो आने लगे हैं, आप चाहो तो किसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। रही बात माइलेज फिगर्स की, जो कि एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आजकल गाड़ियों को खरीदने के लिए, तो हैरियर का मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.8 KMPL, ऑटोमेटिक में 14.06 KMPL, सफारी का मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.30 KMPL और ऑटोमेटिक में 14.5 KMPL का क्लेम किया गया है फेसलिफ्ट में। तो पहले और फेसलिफ्ट में जो माइलेज है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस तो हैं, लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं है, लगभग सब कुछ पहले जैसे ही है। स्कोडा स्लाविया के मैट एडिशन को लॉन्च किया गया है। 15.52 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 19.12 लाख रुपीस तक मिल जाता है। जो स्टाइल ट्रिम है उसके ऊपर ये बेस्ड है। 40,000 रुपए महंगा मिलता है आपको ये मैट एडिशन नॉन मैट से। किया ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल डे इवेंट सेलिब्रेट किया था, और उस इवेंट में 3 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रिवील किया है। एक तो है प्रोडक्शन स्पैक EV5 SUV, एक है EV4 SUV का कंसेप्ट, और तीसरा है EV3 सेडान का कंसेप्ट। ये तीनों ही कब लॉन्च होंगी ग्लोबल लाइनअप में, कब नहीं होंगी वो एक अलग बात है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर अगले साल EV9 SUV आने वाली है।
और आगे बढ़ते हैं तो भाई वॉल्वो C40 रिचार्ज के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है 1.7 लाख रुपीस, और उसके पीछे का कारण दिया गया है कि डिमांड बढ़ गई थी इसलिए प्राइस बढ़ा दिए। मतलब भाई खुला सच बोल रहे हैं, 530 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है और अब ये गाड़ी आपको बढ़े हुए प्राइसेस के साथ 62.95 मतलब कि लगभग 63 लाख रुपए की मिलती है। किया वाले एक छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम होगा EV2 City, जैसे कि MG की कॉमेट है ना, वैसे ही एक छोटी सी हैचबैक है। लेकिन भाई पता नहीं इंडियन मार्केट में ये कब तक लॉन्च होगी, क्योंकि ग्लोबल सेल जो है इस गाड़ी का वो 2026 से चालू होगा, तो इंडिया का नंबर कब तक आता है पता नहीं, सबसे पहले यूरोप में इसे लॉन्च किया जाएगा। रेनो वाले भी 25 अक्टूबर को अपनी कार्डियन SUV का ग्लोबल डेब्यू करने वाले हैं, सबसे पहले इसे ब्राजील में बेचा जाएगा। और रही बात इंडियन मार्केट की, तो ये गाड़ी मुश्किल है यहाँ आए, लेकिन 2025 के लास्ट तक मतलब कि फेस्टिव सीजन तक आपको नेक्स्ट जनरेशन डस्टर देखने को मिल जाएगी इंडिया में। XUV 3W के फेसलिफ्ट की टेस्टिंग काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, अगले साल के शुरुआत में इसे लॉन्च किया जाएगा। कुछ इमेजेस निकलकर सामने आई हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके इंटीरियर में आपको अब डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिलने वाली है, जैसे कि लगभग सभी गाड़ियों में मिलने लगी है। बाकी बाहर जो ग्रिल्स वगैरह हैं और DRLs हैं, वो सब आपको रिफ्रेश मिलेंगी, नई डिज़ाइन की मिलेंगी। भाई मारुति सुजुकी प्लान कर रहा है कि 2030 तक आइस इंजन्स को कम्प्लीटली बंद कर दें, मतलब कि जो पेट्रोल डीजल तो पहले ही बंद कर दिया, अब बची पेट्रोल गाड़ियाँ, ये पेट्रोल गाड़ियाँ भी बंद करने वाले हैं। अब आपको खाली पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको या तो हाइब्रिड गाड़ी मिलेगी या CNG मिलेगी या इलेक्ट्रिक मिलेगी। 2030 तक मारुति पूरी पेट्रोल गाड़ियों को बंद कर देगा। और ये सिर्फ मारुति की प्लानिंग नहीं है, लगभग हर किसी कंपनी की प्लानिंग है, बस उनके टारगेट्स अलग अलग हैं। कोई 2030 तक, कोई 35 तक, कोई और पहले सोचा होगा, जो भी है, बट है अल्टीमेटली सबकी प्लानिंग। भाई फॉर्च्यूनर के प्राइसेस जो हैं वो 70,000 रुपये और बढ़ा दिए गए, मतलब कि 2023 में ये दूसरी बार है जब उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एक्स्टर के प्राइसेस को भी 16,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, 16,000 रुपीज़ बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो उस गाड़ी को खरीद लो, क्योंकि इसके प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ते ही चले जाएंगे, हर एक दो महीने में इसके प्राइसेस जो हैं बढ़ेंगे। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो मोटो मोरिनी कैलिब्रो 650cc क्रूजर को अनवील कर दिया गया है। इसमें 649cc का इंजन मिलता है जो लगभग 60 bhp की पावर और 54 nm का टॉर्क जनरेट करता है। वह रॉयल एनफील्ड हिमालयन का एक नया वर्जन 452 लॉन्च होने वाला है 7 नवंबर को। तो भाई जो ऑफ रोडर्स हैं या फिर क्रूज करना चाहते हैं या लंबी लंबे टूर पर जाते हैं, तो उनके लिए ये गाड़ी रहती है, 7 नवंबर तक वो वेट कर सकते हैं। और इसमें इंटीग्रेटेड नेविगेशन आपको मिलने वाला, आपको ज़रूरत नहीं है मोबाइल लेके लगाने की कुछ करने की, आपको उसमें ही MID में ही नेविगेशन मिल जाएगा। डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 रैली को लॉन्च किया गया है, 29.72 लाख रुपीज़ की ये गाड़ी मिलती है। रॉयल एनफील्ड मिटेर 350 में पहली बार आपको LED हेडलाइट्स मिलने लगी हैं ऑरोरा वेरिएंट में। ऑरोरा वेरिएंट आपको 2,20,000 का मिलता है एक्स शोरूम। ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X को लॉन्च कर दिया गया, ये 2.63 लाख रुपीस की आपको मिल जाती है। आगे वाला टायर जो है वो 19 इंच का है, 398cc का सिंगल सिलेंडर इंजन इसमें मिलता है जो लगभग 40 bhp की पावर और 37.5 nm का टॉर्क जनरेट करता है। कावासाकी निंजा 7 हाइब्रिड को रिवील किया गया है, इसमें 451cc का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में जो लगभग 60 bhp की पावर जनरेट करता है। 3 राइडिंग बोर्ड्स मिलते हैं इसमें, स्पोर्ट हाइब्रिड, इको हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक। तो ये आप अपने हिसाब से जो राइडिंग मोड्स हैं यूज कर सकते हो। तो न्यूज़ तो इस हफ्ते की बस इतनी थी, बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।